क्या तुमको हो गया है? कुछ नहीं हुआ है। कोई तकलीफ है? किसी ने कोई कुछ कह दिया है? हमने तुम्हारा कुछ चुरा लिया है? ये घर हम उधार लेके बना रहे हैं, तुम्हारे पैसे नहीं बना रहे हैं। 8 लाख रुपये हमने उधार लिया है, लोन लिया है हमने HDFC बैंक से। आई बात समझ में? कानून कैसे हो जाएगा? तो सुनने नहीं चाहते हमको? हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ दिया है? किसी ने कुछ कह दिया है? इससे तुम्हारा क्या बन बिगड़ जाएगा? कोई बन जाएगा इससे? तुमको तुम्हें सैलरी चाहिए? दे दे, रखी हुई है पास, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे 8 हज़ार में रखे हुए हैं हमारे पास, तुम्हारे दे दे लाके, दे दे लाके। तुम्हारा हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, पैसा है, तुम जो मर्जी वो करो, हमको कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए वो बोलो। आगे तुम्हें क्या कष्ट है? हमें कष्ट तो बताओगे ना भैया अपने? जब वहां से आए थे तो कष्ट तुमने बताया था हमें, हमें ये कष्ट है, तुमने कष्ट नहीं बताया था हमको? बोलो, तुमने कष्ट हमको बताया था ना कि हमें ये कष्ट है, तो तुम्हारे कष्ट का हमने निवारण किया था। अभी तुम्हें क्या कष्ट होता हो? तुम्हारे कष्ट का निवारण करते हैं हम, बिना बोले तो कुछ होगा नहीं। वहां से आए थे, तुमने मुंह खोला था यहां पे आके, तब तुम्हारे लिए हमने थाना पुलिस किया था, लड़ाई तुम्हें उनसे लड़ाई की थी हमने। बिना बोले तो तुम्हारी किसी समस्या का समाधान हो ही सकता? कोई और तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगा? हमारे ऑफिस वाला? तुम्हें ऑफिस वाला कोई समस्या का समाधान नहीं करेगा, केवल तुमको वो बता सकता है, तुम्हारी मजाक उड़ा सकता है। एक बार पहले भी तुमको किसी ने समझा दिया, फिर तुम्हारा तुमने 2 दिन खाना नहीं खाया था, फिर तुम वही नाटक कर रहे हो। क्या कष्ट है? कष्ट बोलो तुम अपना कष्ट, तुम्हारा समाधान हम तुमको समाधान देंगे तुम्हारी चीज का। समाधान चाहिए नहीं चाहिए अपने कष्ट का? नहीं चाहिए, भूखे रहने तो खत्म हो जाएगी। सिर क्यों झुकाए हुए? कोई गलत काम करके आए हो? हमें तो कुछ चुरा लिया है? बोलो, मर्द बनो, बोलो। कि तुम्हारे लिए कोई और बोलेगा हमसे? कि तुमको तकलीफ होगी कौन बोलेगा? ना तो हमसे बोले हो, ना तो मीनू को बता रहे हो। जो कष्ट है वो बोलो, हमें ये कष्ट है यहां पे। तुम्हारे कष्ट की समस्या का समाधान करेंगे अगर हमसे लायक होंगे तो? नहीं होंगे तो हम भी हाथ जोड़ लेंगे, जैसे तुमने अभी हाथ जोड़ा हमारे सामने, भैया हमको माफ करो। हम भी ये कर लेंगे, हमको हमको हाथ जोड़ना आता है कि भैया हमको माफ करो, जैसे हमने निंकी को माफ कर दिया, पिंकी को माफ कर दिया, तुम्हारी गुड्डी को, तुम्हारे कोकल को, सबको हमने हाथ जोड़ के माफ कर लिया। हमको भैया हमको माफ करो, वे तुमको माफ कर देंगे, जाओ। लेकिन बिना बताए तो नहीं समझ में आएगा ना हमारे हमारे, हम भगवान तो है नहीं कोई। बात को बताइए, क्या समस्या है आपको? एक बार नाटक ऐसी आप पहले भी कर चुके हैं, तुमको याद है? जैसे तुमको हम 4 हज़ार रुपये देते हैं, और चाहिए तुम और ले जाओ, तुम्हें सब चाहिए तुम सब ले जाओ। 3 महीने की गाड़ी की किस्त बची हुई है, खत्म हो जाए कि अब तुम जानो, तुम इसके बाद जो जो मर्जी तुम वो करो। मार्च चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई, 4 महीने की ज़्यादा इस किस्त बची है गाड़ी की, वो ख़त्म हो जाए बस। उसके बाद जो पैसे बचेंगे हमने सोचा उसके तुम्हारे लिए फ्लैट ले लेंगे, ये तुम्हारे घर लेंगे, वो तुम्हारी तनख्वाह में तुम्हारे कटता रहेगा। अगर तुम्हें कोई ज़्यादा ज्ञानी मिल गया है तो उसके पास चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं हमें।
हमें कोई समस्या नहीं है, बस 3 महीने की गाड़ी किस्त हो जाए जैसे तुझे तुम जेल ना जाओ और तुम्हारी नौकरी तुम्हारी बची रहे। सबकी गालियाँ और सबकी हमने पुलिस की हमें धमकी से नहीं सही है कि तुम हमको हमारे हमको नाटक दिखाओगे अपना, समझ में आई? थाने पुलिस हम गए तुमको लेके नहीं गए, इसलिए मीनू लेके गए थे केवल, तो तुम्हारे तीनों बने वहाँ लड़ने आए थे थाने के अंदर जब हमें 2.5 लाख रुपये हमने दिया है। पूछ लो जो मामा, मम्मा पूछ रही है कि खाना ऊपर लेके आएगी कि नीचे आओगे? उनको नहीं खाना है, पापा खाना खाने नीचे चलो। चलो मारे। ओके क्या कर रहे भाई पापा? बाबू आओ, आदू आओ बाबू, कर लो मेरे को परेशान। क्या समस्या हो गई है? कुछ नहीं समस्या। तो खाना क्यों नहीं खा रहे हो? उनको नहीं खाना है। हमारे खाने खाओगे तो कहाँ खाना खाओगे? भूखे रहने से काम चल जाएगा? चल जाएगा। कब तक काम चलेगा भूखे रहने से? जो प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम बताओ ना, मीनू को बताओगे? किसी को नहीं बताएंगे। क्या हो गया, कोई शारीरिक कष्ट हो गया? नहीं कुछ नहीं हुआ है। किसी ने मारा कर दिया तुमको है? नहीं कुछ नहीं हुआ है हमको भैया, कुछ नहीं हुआ है। उनको अकेले छोड़ तो अपना काम करो, जाके करो अपना, उनको अकेले छोड़ दो। अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना तुमको, लिखा वहाँ लिख के आए हैं। चाहे लिखो चाहे ना लिखो, पुलिस थाने में लिख के आए हैं। लिख के आओ। याद है नहीं याद तुमको? नहीं याद है। नहीं याद है? थाने में गए थे जिस दिन पहली बार हुई थी चौकी पे, तुमको कुछ याद नहीं है? नहीं याद है। जब तुम्हारी बहनों ने कहा था कि हमारा बलात्कार करना चाहता है, तुमको याद नहीं कुछ भी? कुछ नहीं याद है। सब भूल गए? भूल गए। पर हमारे पास रिकॉर्डिंग है सारी, रिकॉर्डिंग हम नहीं कुछ बोलते हैं, इसे रिकॉर्ड करके रखते हैं। अपने पास अपना रिकॉर्ड अपने पास रखे रहो। हाँ कोई दिक्कत है, कोई कष्ट है, तो फिर हमको माफ करो, हमको अकेले छोड़ दो। अकेले छोड़ सकते हैं हम? हमको अकेले हम तो नहीं छोड़ सकते अकेले। क्या बोल रहे हो? हमको अकेले छोड़ दो, बता दिया है तुम सुनोगे गाली हमसे तो हमें गाली दोगे? तुम अकेले चले जाओ यहाँ से, तुम निकल जाओ यहाँ से, हमारे घर से तुम जाओ। हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। अब तुम नहीं आज चले जाएंगे यहाँ से, हम तो हमें गाली दोगे? कल हम चले जाएंगे, तुम हमें चले जाएंगे, ठीक कल हम आएंगे नहीं, कल ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ये रिकॉर्डिंग हमारे पास है। हम कल हाँ चाहे जितना तुम रिकॉर्डिंग करो, चाहे जितना करो रिकॉर्डिंग, हमको फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जितना रिकॉर्डिंग करो। तुम हमें गाली देने की बात कर रहे हो? गाली देने की बात हम नहीं कर रहे हैं। तुमने कहा कि तुम गाली देंगे? हम जितना देंगे गाली हम देंगे, सब हमको चढ़ाते ना सब यहाँ पे, सब चढ़ाते हमको, हम सबको सब चढ़ाते हैं यहाँ पे, बाहर तो आओ चढ़ाते हैं, यहाँ तो आओ चढ़ाते हैं सब। क्या तुम चढ़ाया? हमने तुम्हें क्या चढ़ाया? बाहर वाले तो सब बाहर वाले चढ़ाते हैं, हम तुम्हें क्या चढ़ा रहे हैं? हम तुम्हें क्या चढ़ाए हैं? हम तुम्हारे लिए पिताजी से अपने रोज रोज लड़ जाते हैं कि उनको कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। नहीं लड़ रहे हैं पिताजी से हम, जिसके घर में रह रहे हैं उसकी उससे लड़ रहे हैं तुम्हारे लिए हम। वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है, हम जो कर रहे हो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक, बैठ क्या करना।